हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बताने वाली हूँ। देखिए, आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है मोहन राकेश का एक प्ले आधे अधूरे हिंदी का टाइटल है, क्योंकि आधे अधूरे हिंदी भाषा में लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा, और फिर उसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो उसका टाइटल है हाफ वे हाउस। तो उसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आज की वीडियो में बताऊंगी, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। मैंने आपके सिलेबस में जितना भी ड्रामा है, जैसे पिंजर हो गया या फिर एक और कन्यादान हो गया, उन सभी पर मैंने एमसीक्यू वीडियो भी अपलोड कर दी। शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, पूरी डिटेल वीडियो हर तरह से अपलोड कर दिए, और पूरा ड्रामा भी और नॉवल भी आपको पढ़ा दिया है। तो आप चेक करके पढ़ लीजिएगा, प्ले लिस्ट में आपको हर वीडियो मिल जाएगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहन राकेश वॉज बॉर्न ऑन। मोहन राकेश कब पैदा हुए थे? तो ये पैदा हुए थे 8 जनवरी 1925 ईस्वी में। कब? 8 जनवरी 1925 में इनका बॉर्न हुआ था, याद रखिएगा। और सभी का चेक करके पढ़ लीजिएगा, पिंजर का भी पढ़ लीजिएगा और कन्यादान का भी पढ़ लीजिएगा, और आगे और भी अपलोड करूँगी, सब जल्दी जल्दी देख कर पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम तक पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। और आपसे एक और बात कह दूँ, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है तो आप पूरी फुल डिटेल वीडियो भी देखा करें, जैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्योंकि आप पूरा देखे रहेंगे तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करने में बहुत आसानी होगी। दूसरा देखिए, दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहन राकेश डाइड ऑन। मोहन राकेश की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 3 जनवरी 1972 में हुई थी। देखिए, 8 जनवरी 1925 में ये पैदा हुए थे और 3 जनवरी 1972 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला देखिए, मोहन राकेश वॉज बॉर्न इन, ये कहाँ पर पैदा हुए थे? तो ये पैदा हुए थे अमृतसर में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला है, मोहन राकेश फर्स्ट प्ले वॉज, देखिए मोहन राकेश का पहला प्ले कौन सा था? तो वो था अषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। इनका फर्स्ट प्ले पेपर में ज़रूर पूछेगा, याद रखिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट डाउन कहीं पर कर लीजिए अपने नोटबुक में। अगला देखिए, मोहन राकेश पब्लिश्ड आधे अधूरे इन, देखिए मोहन राकेश का जो प्ले है आधे अधूरे, जो मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ, इसका सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल बता चुकी हूँ, समरी बता चुकी हूँ, जो आपके लॉन्ग में पूछता है, तो आप पढ़ लीजिएगा, आपका एमसीक्यू होगा तो आपके लिए आसानी है। तो आधे अधूरे पब्लिश्ड हुआ था, देखिए 1969 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन मोहन राकेश आधे अधूरे हु इज द फर्स्ट पर्सन, आधे अधूरे प्ले में इनके फर्स्ट पर्सन कौन है इनके नावल में? तो कौन है? महेंद्र नाथ है, क्योंकि महेंद्र नाथ जो है इस प्ले में 4 व्यक्तियों का रोल प्ले करता है। किनका किनका करता है? सिंघानिया का, जुनेजा का, अपना भी करता है यानी महेंद्रनाथ का, और जगमोहन का करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है आपका। अगला देखिए, मोहन राकेश आधा अषाढ़ का एक दिन इज सेंटर्ड ऑन, यानी कि मोहन राकेश का जो पहला प्ले है अषाढ़ का एक दिन, वो पूरा किस पर सेंटर्ड है, यानी किस पर पूरी तरह से केंद्रित है? तो वो केंद्रित है कालिदास लाइफ, यानी कि कालिदास के जीवन पर इनका फर्स्ट नाटक अषाढ़ का एक दिन पूरा आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है, कालिदास लाइफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। इन मोहन राकेश आधे अधूरे हु इज़ द थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन कौन था? महेंद्रनाथ था। तो थर्ड पर्सन सिंघानिया है। ऑप्शन नंबर 3 सिंघानिया सही उत्तर है। अगला देखिए, इन मोहन राकेश आधे अधूरे, जिसका इंग्लिश में टाइटल है हाफ वे हाउस, हु इज़ द फोर्थ पर्सन, तो फोर्थ पर्सन जुनेजा है। कौन है? जुनेजा है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है आपका। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ आधे अधूरे हाफ वे हाउस? जब इसकी समरी पढ़ा रही थी तभी आपसे बताई थी कि ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में ज़रूर पूछेगा। सेकेंड पार्ट जो है, एक्ट सेकेंड जो है, उसको
देखिए क्या कहा जाता है, उसको उत्तरार्ध कहा जाता है। सेकंड प्ले को आधे अधूरे के सेकंड पार्ट को या कहिए या सेकंड एक्ट को कहिए उत्तरार्ध कहा जाता है। और यही क्वेश्चन पूछ दे कि फर्स्ट एक्ट को क्या कहा जाता है, तो पूर्वार्ध कहा जाता है और सेकंड एक्ट को उत्तरार्ध कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका सेकंड का पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अगला देखिए, हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन मोहन राकेश आधे अधूरे यानी हाफ वे हाउस। तो आधे अधूरे की सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, कौन है, सावित्री है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है, क्योंकि सावित्री ही जॉब करती है, घर का खर्चा चलाती है, पूरे घर पर यही नियंत्रण रखती है। और इसका हस्बैंड महेंद्रनाथ, इसका बेटा अशोक, सब क्या है, अनएम्प्लॉयड है यानी बेरोजगार है, कोई काम नहीं करते। हाँ देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 पर सावित्री दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सावित्री राइट है। ये सेंट्रल कैरेक्टर है आधे अधूरे की और ये अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा नफरत करती है, बहुत ज़्यादा बेहिसाब नफरत करती है। आप प्ले अगर पढ़े होंगे तो मैंने पढ़ा दिया है, आपको पता होगा, नहीं पढ़े हैं तो चेक करके प्लेलिस्ट में पढ़ लीजिएगा। जिस वीडियो में मैंने सिग्निफिकेंस ऑफ द आधे अधूरे बताया है टाइटल, उसी वीडियो में मैंने पूरी समरी भी डिस्कस की है, तो चेक करके पढ़ लीजिएगा। अगला है, हु इज़ सावित्रीज हस्बैंड इन मोहन राकेश आधे अधूरे, यानी कि आधे अधूरे कहिए या हाफ वे हाउस कहिए, क्योंकि जब आधे अधूरे को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो उसका टाइटल रखा गया हाफ वे हाउस, और हिंदी में आधे अधूरे है यानी कि हर व्यक्ति क्या होता है, आधा अधूरा होता है, किसी में हर खूबी नहीं होती है, कुछ इस तरह का। क्योंकि सावित्री अपने हस्बैंड से नफरत करती है, वो कहती है कि उसका जो हस्बैंड है महेंद्रनाथ वो आधा अधूरा है, उसमें कोई खूबी नहीं है, मतलब इस तरह की सोच रखती है वो, इसी वजह से टाइटल है आधे अधूरे। तो इसमें सावित्री का हस्बैंड कौन है, तो ये तो आपको एकदम अच्छे से पता है, सब कुछ पूरा आपको पढ़ा चुकी हूँ, महेंद्रनाथ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ अशोक इन आधे अधूरे, आधे अधूरे में अशोक कौन है, तो जब मैंने आपको पढ़ाया तो आपको याद होगा सावित्री का क्या है, सन है, सावित्री सन, सावित्री का बेटा है अशोक, ये भी बेरोजगार है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ बिन्नी, बिन्नी कौन है इन मोहन राकेश आधे अधूरे हाफ वे हाउस। बिन्नी कौन है मोहन राकेश के प्ले आधे अधूरे में, जिसका इंग्लिश टाइटल है हाफ वे हाउस। तो बिन्नी कौन है, आपको पढ़ाई थी तो आपको याद होगा, सावित्रीज एल्डर डॉटर यानी कि महेंद्रनाथ और सावित्री की बड़ी बेटी है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है, और ये 20 साल की है और इसकी शादी भी हो चुकी है मनोज नाम के एक लड़का से। पूरा पढ़िएगा, ये भी कुछ अपने हस्बैंड से बहुत नफरत करती है, यहाँ तक ये सोचती है कि मेरे हस्बैंड को जो भी चीज़ पसंद हो उसको मैं बर्बाद कर दूँ, और इसके हस्बैंड इसके बालों की तारीफ़ करते हैं तो ये सोचती है कि मैं अपना बाल ही कट करा दूँ, मतलब देखिए इतनी नफरत है इसको भी अपने हस्बैंड से। अगला देखिए, हु इज़ किन्नी, अब किन्नी कौन है इन मोहन राकेश प्ले आधे अधूरे, मोहन राकेश के प्ले आधे अधूरे में किन्नी कौन है, तो किन्नी छोटी बेटी है सावित्री और महेंद्रनाथ की। तो सावित्री इज़ यंगर डॉटर यानी कि सावित्री की छोटी बेटी, और किन्नी जो है उसको इंटरेस्ट होता है किसी कहानियों में, आपको बताई थी मैं इसको, जैसे सेक्स वगैरह की कहानियों में इंटरेस्ट होता है उसको सुनने में, बातें करने में, इस तरह की कहानियों में उसको इंटरेस्ट होता है। देखिए हर कैरेक्टर के बारे में जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि कौन कैसा है प्ले के अंदर क्या करता है, क्योंकि क्वेश्चन आपका किसी भी तरह से पूछ सकता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ बताती हूँ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको परेशानी ना हो एग्ज़ाम में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हु इज सावित्रीज मैरिड डॉटर इन मोहन राकेश प्ले आधे अधूरे। मोहन राकेश के प्ले आधे अधूरे में सावित्री की कौन बेटी मैरिड है, हु इज सावित्रीज मैरिड डॉटर, सावित्री की शादीशुदा बेटी कौन है इन मोहन राकेश प्ले आधे अधूरे, मोहन राकेश के प्ले आधे अधूरे में, तो कौन है, बिन्नी है, क्योंकि बिन्नी बड़ी है तो बिन्नी शादीशुदा होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज महेंद्रनाथ फ्रेंड इन मोहन राकेश आधे अधूरे। मोहन राकेश के प्ले आधे अधूरे में महेंद्रनाथ का दोस्त कौन है, तो देखिए जुनेजा दोस्त है महेंद्रनाथ का, और महेंद्रनाथ को जब भी एडवाइस लेनी होती थी तो वो जुनेजा से ही लिया करते थे, और ये बात सावित्री को पसंद नहीं थी कि मेरा हस्बैंड जब भी कोई काम करे तो वो किसी की एडवाइस ले, वो चाहती थी कि मेरा हस्बैंड ऐसा हो कि वो उस पर उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस हो और वो कोई भी काम बिना किसी की एडवाइस लिए करे, जबकि महेंद्रनाथ कोई भी काम करना होता था
तो लोगों की एडवाइस लेता था और ख़ास तौर पर वो जुनेजा की एडवाइस लेता था। ये बात मैं सावित्री को पसंद नहीं थी कि वो एडवाइस क्यों लेता है, इसलिए वो नफरत करती थी अपने हस्बैंड से। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ किन्नीज फ्रेंड, किन्नी की दोस्त कौन है इन मोहन राकेश प्ले आधे अधूरे। मोहन राकेश के प्ले आधे अधूरे में किन्नी की दोस्त कौन है? तो सुरेखा है किन्नी की दोस्त, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है। और देखिए, किन्नी जो है छोटी बेटी है सावित्री की, और इसको भी अपनी माँ से बड़ी शिकायतें होती हैं कि तुम मेरे लिए वो सारी चीज़ें नहीं ला कर देती हो जिसकी मुझे स्कूल में ज़रूरत होती है, और कुछ इस तरह की कि इस घर में हर कोई होता है मगर लगता है कोई मुझसे बात करने के लिए नहीं है। इस तरह की शिकायतें उसको अपनी माँ से होती है। यहाँ पर याद रखिएगा, सुरेखा दोस्त है किन्नी की, ऑप्शन नंबर 3 राइट है आपका। अगला देखिए, हाउ ओल्ड इज सावित्री इन मोहन राकेश आधे अधूरे। सावित्री की उम्र कितनी है मोहन राकेश के प्ले आधे अधूरे में? देखिए, जब मैं आपको पढ़ा रही थी प्ले, तभी मैंने आपसे कहा था कि हर कैरेक्टर की एज याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स में पूछेगा। तो महेंद्रनाथ कितने साल का था? 50 साल का, और सावित्री 40 साल की, जबकि 40 साल की उम्र में भी ये काफ़ी यंग जवान लगती थी, जिससे कि इसकी जवानी पर काफ़ी सारे और भी मर्द अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ। तो याद रखिएगा, ये 40 साल की थी, ऑप्शन नंबर 1 सही है आपका। अगला है, हाउ ओल्ड सिंघानिया इन मोहन राकेश प्ले आधे अधूरे, यानी हाफ वे हाउस, आधे अधूरे का ही इंग्लिश टाइटल है हाफ वे हाउस। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में पूछ सकता है ना आपसे कि आधे अधूरे का जो टाइटल है इंग्लिश वो कौन सा है। तो याद होगा तो आपके लिए अच्छा है, हाफ वे हाउस है। तो सिंघानिया की एज भी 50 साल थी। ओके, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। हुज एक्स बॉयफ्रेंड इज मनोज इन मोहन राकेश प्ले आधे अधूरे। मोहन राकेश के प्ले आधे अधूरे में मनोज किसका एक्स बॉयफ्रेंड है? तो किसका है? सावित्री का है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है, सावित्री का एक्स बॉयफ्रेंड है। और देखिए, फिर सावित्री की जो बड़ी बेटी बिन्नी है उसी की शादी मनोज से होती है, यानी कि सावित्री के एक्स बॉयफ्रेंड से सावित्री की बड़ी बेटी की शादी होती है, याद रखिएगा। अगला है, हु इज़ नोन एज द पॉइनियर ऑफ नई कहानी। नई कहानी का अग्रदूत किसे माना जाता है? पॉइनियर मतलब अग्रदूत या शुरुआत करने वाला। तो किसे माना जाता है नई कहानी का अग्रदूत? तो मोहन राकेश को माना जाता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ मोहन राकेश। ये पूछ देगा ज़रूर से कि मोहन राकेश का पूरा नाम क्या था। तो मोहन राकेश का पूरा नाम मदन मोहन गुगलानी था, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला है, हाउ डिड मोहन राकेश स्टार्ट हिज कैरियर। मोहन राकेश ने अपना जो कैरियर था वो किस तरह से शुरू किया था? तो एज ए टीचर, यानी एक टीचर के रूप में उन्होंने अपना कैरियर की शुरुआत की थी, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। तो आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी MCQ बताए हैं वो आधे अधूरे प्ले से पूछे जाएंगे इसी तरह से, तो आप इनको याद रख लीजिए, और पिंजर के लिए और कन्यादान का चेक करके चैनल पर पढ़ लीजिए, पूरा सब कुछ कंप्लीट करवा चुकी हूँ। इसके अलावा यदि आप अपने BA 4 सेमेस्टर में सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके लिए भी चैनल पर विजिट कीजिए, सभी सब्जेक्ट की क्लास चैनल पर चल रही है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।